नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। क्रिकेट और राजनीति, ये जो साथ है ये हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, या यूं कहें कि इनका साथ चोली दामन का साथ, और कुछ ऐसा ही आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिल सकता है। जी हां, बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को भारतीय जनता पार्टी बंगाल के बशीरहाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। खबरों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने शमी को ये बड़ा ऑफर दे दिया है और अब अंतिम फैसला मोहम्मद शमी को लेना है। दरअसल आपको बता दें, टखने की चोट के चलते मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुके हैं। फिलहाल वो अपना इलाज कराने लंदन गए। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, वो ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद शमी पर दाव लगा सकती है। अब इसके आखिरकार क्या मायने हैं, ये हम आपको समझा दें। दरअसल बीजेपी के शीर्ष सूत्रों की माने तो पता चला है कि शमी को आने वाले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि कई लोगों का कहना था कि शमी मुरादाबाद से लड़ना चाहते थे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी। ये भी कहा गया है कि शमी को मैदान में उतारने से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में अल्पसंख्यक सीटों पर जीत मिल सकती है। दरअसल सूत्रों की माने तो बीजेपी शमी को बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारना चाहती है। ये निर्वाचन क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। जिस संदेश खाली से हाल ही में महिलाओं के साथ अत्याचार के खौफनाक मामले सामने आए, वो बशीरहाट सीट से ही आए। अब इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक वोटों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो शमी को मैदान में उतारना पीएम मोदी का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है, क्योंकि वो अब भारतीय क्रिकेट के ट्रेंडिंग हीरोज में से, जिस तरीके का प्रदर्शन मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में किया था, जब 7 मुकाबले खेलकर उन्होंने 24 विकेट चटका दिए थे, तो उन्हें नेशनल हीरो घोषित किया गया। साथ ही उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ऐसे में मोहम्मद शमी अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं और एक सांसद के रूप में जब नई पारी की शुरुआत करेंगे, तो क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।